अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन। इससे पहले का जो आपने क्लिप देखा था वो सुबह का था, अभी 6 बजने वाले हैं। सुबह को मैं आज उठ गया था, कितने बजे? हाँ, लेट उठा था आज, 7 बजे उठा। थोड़ा बहुत काम वगैरह कर आ के ई कॉमर्स से थोड़ा काम करके फिर मैं दोबारा सो गया था, क्योंकि मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि मैं रात को लेट सोया था। 9 बजे सोया, फिर 12 बजे उठा। टाइमिंग तो आउट हो गई थी। अब फाइनली मेहमान वगैरह जा चुके हैं, चले गए भी उनको, आधा एक घंटा हो गया मैं जब तक एडिटिंग वगैरह कर रहा था। तो ये सारा हुआ आज। बाकी एडिटिंग वगैरह तो हो गई तीनों व्लॉग्स की, पिछले कल के, परसों के, तरसों की व्लॉग्स की एडिटिंग भी हो गई है। लेकिन अभी जाना है हम लोग को कहीं, कहाँ जाना है, कुछ सामान उठा के किसी घर से ऑफिस में रखना है, तो वो करना है। तो अभी अंकल आएंगे तो फिर हम उनके साथ जाएंगे। पापा गए मैं मेहमानों को छोड़ने मक्का। तो अभी तक तो ये हुआ, हम लोग आ गए, लेकिन जिस काम के लिए गए थे वो काम हुआ ही नहीं, क्योंकि जिनके घर जाना था उनके पाँव में चोट लग गई और वो हॉस्पिटल चले गए। तो हम वापस आ कर, हो सकता कल जाना हो। 7:30 बज रहे अब। स्टोरी पहले बनाऊँ, स्टोरी से तो अब है ये स्टोरी टाइम। ओए, 2013 की स्टोरी स्टार्ट करनी थी, और 2-3 दिनों से क्योंकि मेहमान थे और जो आईफोन खराब हुआ था उस वजह से नहीं हो पाया, लेकिन खैर अब स्टार्ट करते हैं। 2013 में फिर मेरे जब एग्ज़ाम्स आने वाले थे तो फिर मैंने ट्यूशन लेना शुरू कर दी, फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, मैथ्स की। तो फिज़िक्स की मैं ट्यूशन में जाता था और वहाँ पे मुझे फिज़िक्स समझ में नहीं आती थी। फिर सर ने कहा कि तुम लोगों का सबका कल टेस्ट है। अब मैंने बोला मुझे कुछ समझ तो आया नहीं है, तो अब मैं कहाँ से तैयारी करूँ। मैंने बोला मैं यूट्यूब पर जाके ट्यूटोरियल्स वगैरह देखूँगा मैं फिज़िक्स के ऊपर, फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर, और वहाँ से मुझे समझ में आ जाएगी, मैं इस तरह की तैयारी करूँगा। अब मैं जब नेट पर सर्च कर रहा था तो एक ऐड देखा मैंने, बैनर ऐड होता है ना, जो साइड में तस्वीरें वगैरह होती हैं उनको बैनर ऐड कहते हैं। उसमें लिखा होता है कि रियाद यहाँ का कैपिटल है, रियाद में एक औरत ने इतने पैसे कमाए घर बैठ के। मैंने बोला घर बैठ के? मैंने क्लिक कर दिया, फिर एक नया पेज खुला, उसमें पूरा आर्टिकल लिखा था उसने इस तरीके से पैसे कमाए। फिर मुझे पता चला कि ऑनलाइन पैसे लोग कमाते हैं। फिर मैं रिसर्च करने लगा, फिर सर्वेस वगैरह का पता चला। मैंने बोला इतने करूँगा सर्वे तो मुझे इतने मिलेंगे, इतने करूँगा, फिर मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा, जो होता है ना ख्वाब देखना। मुझे ये लगता था कि बहुत कम काम करना पड़ेगा और मैं मिलियनेयर बन जाऊँगा रातों रात, जो ज़्यादातर लोग सोचते हैं जब उनको पता चलता है कि घर बैठ के आप ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। और ये सबसे मेरी बड़ी गलती थी, सबसे बड़ी, क्योंकि इसकी वजह से मैंने मेरे 2-3 साल मेरे ज़ाया हुए। ऑनलाइन पैसे कमाना भी इतना आसान नहीं है। आप अगर वेबसाइट खोले हो उसमें आपको अपनी क्रेडिबिलिटी बनानी पड़ती है, आपको कम से कम 6 महीने से 1 साल चाहिए। यूट्यूब पे चैनल खोल लो उसमें भी टाइम चाहिए। कोई भी बिजनेस होगा, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको टाइम लगेगा। हाँ, अगर आप अनलेस आपको साल हो गए, आपको पता है कि काम कैसा होता है और आपने एक्शन नहीं लिया, तो फिर आप एक्शन लेना शुरू करें तो हो सकता है आपको रिजल्ट फॉर्म मिलना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ, मुझे 3-4 साल से मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे काम होता है ऑनलाइन। मुझे पता है, मेरे पास कोर्सेज हैं, मेरे पास पार्टनर्स हैं, इन्वेस्टमेंट अब अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है, उसका भी मैं बताऊंगा कि कैसे मुझे पार्टनर्स और इन्वेस्टमेंट मिली। ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह हैं, बस मसला ये मैंने एक्शन प्रॉपर नहीं लिया। और यही वजह थी मैंने 110 डे चैलेंज स्टार्ट ही इसलिए करा था कि मैंने अब एक्शन लेना है, और अब मैंने एक्शन लेना शुरू करा, रिजल्ट आना शुरू करा। और हो सकता है अगले 3-4 महीने में मैं इतने पैसे कमा लूँ जितने मैंने पिछले 3-4 सालों में नहीं कमाए। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मैं सिर्फ 3-4 महीने में ही वो करें। वो 3-4 महीने तक जो पहुंचने की जो जर्नी है वो 3-4 साल की है। 3-4 साल में मैंने सीखा बहुत कुछ, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करा, एक्शन नहीं लिया। ये ऐसे ही हो गया कि भाई आपको पतला होना, आपने दुबले पतला होने की हज़ारों किताबें पढ़ ली, लेकिन आपने एक्सरसाइज करना शुरू नहीं करा। प्रॉपर डाइट जो होती है हेल्दी फूड्स की, वो आपने लेना शुरू नहीं करी, और एक्सरसाइज शुरू नहीं करा। और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपने थ्योरी बुक्स वगैरह पढ़ ली और आप दुबले हो जाएंगे, यही मेरे साथ। मुझे मेरे अंदर नॉलेज आ गया है, अच्छा खासा नॉलेज आ गया है, पता चल गया है क्या गलत है, क्या सही है, क्या कैसे काम होगा, बस मैंने एक्शन प्रॉपर नहीं लिया। प्रोक्रेस्टिनेशन,
तो इस वजह से मुझे रिजल्ट नहीं मिले। तो ये दिमाग से निकाल दें कि ऑनलाइन पैसे कमाना पीस ऑफ केक है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो चार चार पाँच पाँच घंटे से सोते थे और पूरा दिन करते रहते। मैं पिछले 3-4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कम सोऊं और पूरा दिन जागूं, लेकिन हर किसी की बॉडी सेम नहीं होती, कुछ लोग कम सोते हैं। मैंने बहुत कोशिश करी सुबह उठने की, रात को लेट सोता था, सुबह उठने की कोशिश करता था, लेकिन नहीं हुआ। फाइनली मैंने अब ये एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरी एक खामी है, कि मेरी नींद का मसला है, कि मैं अपनी नींद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तो मैंने इसी वजह से मैंने टाइमिंग बना ली कि 9 बजे सोना है, सुबह 4:30 बजे उठना है। अगर मैं टाइमिंग से सोता हूँ, टाइमिंग से उठता हूँ, तो फिर मैं प्रॉपर पूरे दिन फंक्शन कर सकता हूँ प्रॉपर, मुझे फिर नींद की प्रॉब्लम नहीं होती और पूरा दिन मैं फ्रेश महसूस करता हूँ। ये मेरे साथ प्रॉब्लम है, कहाँ से कहाँ आ गया मैं। ऑनलाइन पैसे कमाना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ऐसे ऐसे लोग जो कभी स्कूल नहीं गए या 4th 5th क्लास तक गए, आप लोगों ने मेरे ख्याल से अब्दुल वली का नाम सुना होगा। अब्दुल वली से मैं पिछले 4-5 महीने पहले मैं मिला था। वो आज से 10 साल पहले बिरयानी बेचता था, और मैं उससे वहाँ पे सदर में मिला था। एक यही ऑनलाइन पैसे कमाने का वो हो रहा था इवेंट, तो उसने बोला आज से 10 साल पहले मैं बिरयानी बेचता था डेली की, मेरी पता नहीं कितनी 200-300 रुपये कमाता था। और बोला अल्हम्दुलिल्लाह 2015 में मैंने एक साल में 1 करोड़ कमाया, एक वक्त ऐसा आया कि एक महीने में 20 लाख कमाए। लोग कमा रहे हैं 16-16 साल के। और पाकिस्तान में मैं एक लड़के को जानता हूँ, मेरे फेसबुक में ऐड है, मैं नाम नहीं लूँगा, 18 साल का भी वो हुआ है इसी हफ्ते या पिछले हफ्ते, और माशाल्लाह से वो 1 साल के 1 करोड़ कमाता है। पाकिस्तान में बैठे, कराची में बैठा हुआ, और उसके पास भी पैसे नहीं थे जब उसने बिजनेस स्टार्ट करा था, लेकिन बोलता है मेहनत आपको बहुत करनी पड़ती है। ये अपने माइंड से निकाल दें कि रातों रात अमीर बन जाएंगे, शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करनी पड़ेगी। एटलीस्ट अपने आपको 1 साल 2 साल दें, फिर आपको जाके मिलेगा। लोग मिलियंस, एक एक मिलियन डॉलर पर मंथ कमा रहे हैं, लेकिन उस जगह तक पहुंचने के लिए उन्होंने दिन रात एक कर दी मेहनत करी। कुछ लोगों को 4 साल लगे, कुछ लोगों को 5 साल लगे, कुछ लोगों को 10 साल लगे, और कुछ लोगों को 1-1.5 साल लगा, लेकिन वो डिपेंड करता है मेहनत के ऊपर, स्मार्ट वर्क के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करता है। लोग करोड़ों कमा रहे हैं ऑनलाइन, लेकिन वही बात है कि आपको मेहनत करनी है, मेहनत प्लस स्मार्ट वर्क, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत ही नहीं दोनों चीज़ें। तो ऑनलाइन पैसे कमाने का मुझे पता चला, मैंने उस टाइम पर ख्वाब देखना शुरू हो गया, मैं उस टाइम पर ख्वाब देखना शुरू हो गया कि मैं रातों रात मिलियनेयर बन जाऊंगा ये वो। और मैं उस टाइम पर बस रिसर्च कर रहा था कि ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, क्योंकि मुझे उस टाइम पर कोई क्लू नहीं था, और फिर मेरे पास उस टाइम पर बैंक अकाउंट भी नहीं था, जिसकी वजह से मुझे फ़ायदा भी हो गया और पैसे भी नहीं थे। अगर पैसे और बैंक अकाउंट होता तो शायद मैं बेवकूफ़ भी बन जाता। ऑनलाइन बहुत सारे स्कैमर्स भी बैठे हैं, वो आपको बोलेंगे आप फलाना हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें और उससे आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप हमारा फलाना कोर्स हमारा ख़रीद लें आपको इतने पैसे मिलेंगे। रियलिटी क्या होती है कि वो कोर्स कुछ फ़ायदा नहीं होता, और वो आपके पैसे तो उनके तक चले गए, आपके पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन उन्होंने पैसे कमा लिए। तो इस चीज़ से मैं बच गया, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा कोर्सेज नहीं थे और बैंक अकाउंट मेरे पास था नहीं, पैसे भी नहीं थे, तो मैं स्कैम होने से बच गया। तो पूरा 2013 का जो साल है मेरा रिसर्च में गुजर गया। फिर एग्ज़ाम्स के दिन आ गए, और एग्ज़ाम्स में मेरी सप्लीज आ गई। फिर जो सर रियाज थे असली वाले, उन्होंने कहा कि तो मैं काम मेरे 2-3 सब्जेक्ट्स में सप्लीज आ गई थी। सर रियाज ने कहा कि आप जो है ना एक काम करो, क्लास रिपीट कर लो। क्लास रिपीट करने से ये होगा कि आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। मैंने बोला ठीक है, अम्मी ने अब्बू ने सब ने बोला ठीक है, फिर मैंने स्टार्ट कर दी। अब मेरा क्या था कि ऑनलाइन बिजनेस की तरफ मेरा दिमाग आ गया था, सही है। और मेरा तब भी ये था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन ये पार्ट टाइम करूंगा, मेरे फुल बिजनेस की तरफ नहीं आया था। तो मैं रिसर्च करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा, हार नहीं मानी मैंने, मैं लेकिन रिसर्च करता रहा। लोग होते हैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता महीना करा छोड़ दी, मैं करता रहा। फिर 2013 के एंड में फिर मैंने जो है बैंक अकाउंट खुलवाया, अपने दोस्त से पूछा किसी कितने लोगों से पूछा, बोला 500 रियाल में खुलेगा, कोई बोला 800 रियाल में खुलेगा। मैंने बैंक कॉल करी, उन्होंने बोला आपका फ्री में खुल जाएगा। मैंने बोला वाह फ्री में खुल गया। फिर कार्ड का भी मसला हुआ, क्योंकि यहाँ के जो ATM कार्ड्स हैं उससे आप ऑनलाइन परचेजिंग नहीं कर सकते, उसका एक अलग कार्ड होता है प्री पेड कार्ड। उसमें फॉर एग्जांपल आपके करंट अकाउंट में 100 रियाल हैं, 100 रियाल आप उस कार्ड पर ट्रांसफ़र करा और वो 100 रियाल आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप बैंक से लोन नहीं ले रहे, लेकिन बस सर्विस वो ये दे रहे हैं कि आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए।
क्रेडिट कार्ड मुझे मिल नहीं सकता था क्योंकि उसके लिए आपको कफील का लेटर चाहिए होता है और जॉब का लेटर चाहिए होता है। और अगर ये दोनों चीज़ें होती हुई तब भी मैं क्रेडिट कार्ड नहीं लेता, क्योंकि फिर वो एक तरीके से एक तो हराम अलग, और अगर आप टाइम पे दे भी दो कोई गारंटी नहीं है, परसों कल को आपको कोई इमरजेंसी हो जाकर पैसे नहीं है, सूद तो लग जाएगा ना, फिर सूद फिर वैसे ही इतना सख्त गुना है, हराम अलग है, तो फिर बेहतर ये है कि आप नहीं लो तो बेहतर है। फिर 2014 स्टार्ट हो गया, उसमें मैंने एग्ज़ाम्स वगैरह दिए, दोबारा मेरी सप्ली आ गई। अच्छा, उस टाइम पे सेकेंड ईयर शुरू हो गया था मेरा, यस सेकेंड ईयर शुरू होने वाला था। मामू ने एक दिन कॉल करी, उन्होंने बोला क्या कर रहे हो रात में, मैंने बोला कुछ नहीं, उन्होंने चलना है दावत पे, मैंने बोला क्यों नहीं, मुफ्ता हम छोड़ते हैं, नहीं छोड़ते भाई। फिर मैं उनके साथ चले गया, दावत में गया, एक होटल में एक रेस्टोरेंट में वो दावत थी। अब उनके जो बॉस था ना, उन्होंने दावत रखी थी, उनका बॉस इमाराती, इमाराती मतलब यूएई का नेशनल, प्राइवेट जेट, अपना जहाज लैम्बोर्गिनी गुलाराडो, जिसमें $2 मिलियन की सिर्फ नंबर प्लेट है, और उसने पता नहीं कितने एक्स्ट्रा मिलियन दिरहम दिए थे एक एक्स्ट्रा, एक अलग थोड़ा यूनिक शेप बनाने के लिए। उसके अपने टावर्स दुबई में, और महल बना रहा था अपना, मामू बता रहे थे बहुत बड़े बड़े रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स उसने करे थे। और जब मैं वहाँ पे दाखिल हुआ, वो बिल्कुल यहाँ पे जो सऊदियों का ड्रेस होता है, सऊदियों का या अरबियों का, ज़्यादातर जो अरबी होते हैं, अरबी स्पीकिंग लोग जो होते हैं, उनका तोब होता है, सर पे एक शिमाग होता है जिसको हम लोग ज़्यादातर दुपट्टा कहते हैं, और रिंग होती है। अब उसी ड्रेसअप में एक बंदा बैठा था, मैं समझा वो बॉस है। फिर एक बंदा आया, वो उठ के हाथ मिला रहा है, और हाउ आर यू, नाइस टू मीट यू, नॉर्मल सी चप्पल, नॉर्मल सी तोप पहना हुआ है। अब वो अपनी बचपन की स्टोरी बता रहे कि 11 साल की उम्र से मैंने काम करना शुरू करा, अपने अबू के साथ मैं काम करता था फार्मेसी में, फिर मैं इधर गया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। अब मैं सोच रहा हूँ ये कौन है, मैंने मामू से पूछा कौन है, मामू ने बोला यही तो है, मैंने है इतना सिंपल सा बंदा, वो या तो बिलियनियर था या तो मल्टी मिलियनियर था। मल्टी मिलियनियर से मुराद 200 मिलियन डॉलर से अबव। 200 मिलियन डॉलर कैसे मुझे पता है, मैं उसका भी बताता हूँ। फिर जब हम दावत से फिर वापस जा रहे थे, फिर मामू ने बताया कि इसका एक गोरे ने इंटरव्यू लिया था प्राइवेट जेट में, डॉक्यूमेंट्री में जहाज, मैंने बोला एक मिनट, डॉक्यूमेंट्री में वो जहाज उतरता है, उसकी लैम्बोर्गिनी आती है सफेद रंग की। उन्होंने बोला हाँ, मैंने बोला ले भाई, मैंने बोला इसको तो मैंने देखा है डॉक्यूमेंट्री में, कि उस टाइम पे मुझे दुबई जाने का बड़ा क्रेज़ था, दुबई पता नहीं क्यों मुझे पसंद है, अभी भी पसंद है। तो मैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह बहुत देखता था दुबई की, दुबई की प्रोजेक्ट्स के ऊपर, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो उस डॉक्यूमेंट्री में उसका भी मैंने देखा था, लेकिन मुझे चेहरा याद नहीं था, मैंने गौर से नहीं देखा था। फिर उस इंटरव्यू के दौरान उसने, गोरे आदमी ने उससे पूछा कि मैंने सुना है कि आपने अपने एक प्रोजेक्ट पे 200 मिलियन डॉलर कमाए, उससे बोला हाँ मैंने 200 मिलियन डॉलर कमाए। उससे मुझे पता चला कि 200 मिलियन डॉलर तो एटलीस्ट इसकी नेटवर्थ होगी, और जिस बंदे की अपना जहाज है, 2 मिलियन डॉलर की एक नंबर प्लेट है, और भी उसके बाद और भी नंबर प्लेट्स हैं, लैम्बोर्गिनी गुलेराडो कस्टम मेड, तो फिर वो फिर मल्टी मिलियनेयर तो होगा एटलीस्ट। खैर उस दिन, और उसके बाहर मर्सिडीज भी खड़ी थी, पता नहीं जीप टाइप की मर्सिडीज, कौन सा मॉडल था पता नहीं, बड़ी प्यारी सी मर्सिडीज थी। उस दिन मैंने डिसाइड करा कि अब मैं करूँगा बिजनेस। मैं तो उसका नाम ही बताना भूल गया, उसका नाम था डॉक्टर सुलेमान अल-फहीम। अगर आप लोग जाके गूगल पे सर्च करेंगे तो उसका विकीपीडिया भी है, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है लेकिन कम है, लेकिन और हाँ वो एक टीवी प्रोग्राम का भी होस्ट था जिसमें कुछ बिजनेस टाइप का था कि वो इन्वेस्टमेंट करेगा, मैंने उसको देखा नहीं वैसे, तो उसके साथ मैं तस्वीर भी खिंचवाई थी, तो ये रही तस्वीर। पता है मुझे अच्छी खासी ब्लरी है, वो जल्दी में खींच ली थी लेकिन खींच गई ना, एटलीस्ट यादगार तो हो गई ना। तो अब बाकी के एपिसोड आगे की देखें आप। अब मेरे साथ क्या मसला हुआ, मैं सेकेंड ईयर या तो स्टार्ट होने वाला था या हो चुका था, एग्जाम्स करीब थे या हो चुके थे मुझे ये याद नहीं, लेकिन सेकेंड ईयर के करीब था मैं या सेकेंड ईयर में था पता नहीं। अब मैं फर्स्ट ईयर अपनी रिपीट नहीं कर सकता था क्योंकि 2 साल मेरे फर्स्ट ईयर में जा चुके थे, अब मैं रिपीट करूंगा तीसरा साल होगा, मुझे 2 साल मज़ीद पढ़ना पड़ेगा। मैंने बोला सेकेंड ईयर पढ़ूंगा, उसके बाद फिर आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लूँगा बिज़नेस की फील्ड में। अब मेरा क्योंकि बिज़नेस की तरफ माइंड आ चुका था, प्लस मुझे ऑनलाइन बिज़नेस का भी पता चल चुका था, ऑनलाइन पैसे कमाने का, मेरा पढ़ाई से वैसे ही दिल तो था ही था उचाट, अब तो और हो गया दबा के। अब ये जो सारा वाकया हुआ
मुझे उस टाइम पर तो समझ नहीं आई, लेकिन अब मुझे समझ आती है कि उसके बहुत फायदा हुआ। अगर पापा के दोस्त प्रिंसिपल के दोस्त नहीं होते और मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं होता और मुझे फिजिक्स समझ में नहीं आती ट्यूशन की फिजिक्स, और सर अगर वो नहीं बोलते कि तुम्हारा टेस्ट है और मैं अगर नेट पे जाके नहीं देखता और मुझे वो बैनर ऐड नहीं नजर आता, तो आज मैं शायद इंजीनियर बन चुका होता और 9 to 5 जॉब में जाके मैं अपनी ज़िंदगी का बेड़ा गर्क कर रहा होता चंद हज़ार रियाल के लिए, 25, 30, 50, बहुत हुआ 1 लाख रियाल, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना, बहुत टॉप पे जाके होता, वो भी एक्सपीरियंस जाके। तो मैं इस चीज़ के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, पापा का भी, मामू का भी, मम्मा का भी, ये तीन की लोग हैं मेरी ज़िंदगी के, जो जिनसे मैं मम्मा की वजह से मैं जो है इस्लाम की तरफ आया, उन्होंने इस्लाम के बारे में सिखाया, पापा ने दुनिया भी उसमें सिखाया, पापा की काफ़ी मिस्टेक से भी मैंने सीखा, और ये इस बिज़नेस की तरफ आने में पापा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर पापा एडमिशन नहीं कराते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचते, मेरा फिर ऑनलाइन बिज़नेस का भी नहीं पता चलता और आज शायद इंजीनियर बन चुका होता, जो कि पापा का ख्वाब था, लेकिन अभी ये रिकॉर्डिंग वगैरह ब्लॉग वगैरह अभी पापा को पता नहीं है। इंशाल्लाह फ्यूचर में जब पापा को ब्लॉग का भी पता चलेगा और इंशाल्लाह जब तक मैं अच्छे खासे पैसे कमा रहा हूँ, तो फिर पापा को पता चलेगा मेरा डिसीजन अच्छा था। तो मैं अभी क्यों हंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बाद में पापा ये वीडियो पापा को दिखाऊंगा। खैर, फिर बिजनेस का तो मैंने डिसाइड कर लिया। अब क्लास में मैं फिर लड़कों को, मैंने अपने दोस्तों वगैरह को बताया कि बिजनेस करूँ, उन्होंने तुम पागल हो, तुम इंजीनियरिंग क्यों पढ़ रहे हो, फिर बिजनेस में जाना था। मैंने बोला मैं बिजनेस में जाऊंगा, मुझे फर्स्ट ईयर दोबारा रिपीट करनी पड़ेगी, मेरे पास इतना टाइम तो है नहीं। फिर मैं ऑनलाइन बिजनेस में मजीद डूब गया, फिर मैं मजीद रिसर्च करता रहा करता रहा करता रहा करता रहा। एक दिन, ये 2014 में अगस्त का महीना, रमज़ान का महीना, एक बंदे का मैसेज आया। वो मैसेज क्या था, क्यों आया, कैसे आया, अब यहाँ तक के लिए स्टोरी टू बी कंटिन्यूड। बाकी अब ये मेरे लाइफ का सेकंड इंटरवल था, सॉरी थर्ड, सेकंड तो तब था जब मैं जब दावत में गया था, जब मैंने डिसाइड करा कि मैं बिजनेस करूँगा। थर्ड ये था, ये जब आदमी का मैसेज आया, ये तीन बहुत बड़े बड़े इंटरवल हैं। और हाँ, मम्मा का भी, अगर मैं, मम्मा मदरसा नहीं जाती तो हिशाम अल हादी से भी मैं नहीं मिल पाता, और अगर मैं उससे नहीं मिल पाता तो मैं अपनी आप को चेंज नहीं करता, क्योंकि उससे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखी। मैंने मुझे फिर अपने लाइफ के बारे में मैंने सोचा कि भाई मैं फालतू में मैं काफ़ी टाइम वेस्ट कर लिया, क्योंकि कन्फ्यूजन वाली लाइफ गुजारा था। तो अगर मैं मदरसा वहाँ पे नहीं जाता, हिशाम अल हादी का लेक्चर अटेंड करना, उससे इंस्पायर भी नहीं होता, और मैं फेसबुक में भी नहीं आता, और अगर फेसबुक में मैं नहीं आता, इस बंदे को जो मैसेज आया था जो कल मैं बताऊंगा आप लोगों को, वो मैसेज भी नहीं आता, क्योंकि वो फेसबुक पे आया था। तो स्टीव जॉब्स जो एप्पल का फाउंडर है, उसने भी बोला कि अगर मैं अपनी 30 साल की उम्र में मुझे अपनी कंपनी से निकाल दिया गया था, अगर वो नहीं निकाला जाता, आज एप्पल जहाँ पर है, एप्पल कंपनी, वो वहाँ पे नहीं होती। तो ज़िंदगी में जो फेलियर्स वगैरह होते हैं ना, नाकामियाँ जो होती हैं, वो बाद में आपके किसी ना किसी तरीके से काम आती है। मैं अगर वहाँ पे मदरसा नहीं जाता तो ये इस आदमी का मैसेज नहीं आता, जो जिस आदमी का आया था मुझे फेसबुक पे। मैं अगर 9-10 में अच्छे नंबरों से पास हो जाता तो मैं शायद आज इंजीनियर होता, और अगर मैं फेल भी हुआ और पापा की वजह से पापा ने मेरा एडमिशन करा भी दिया, और अगर मैं पढ़ाई में अच्छा होता तो जाहिर सी बात है फिर मुझे ट्यूशन की चीज़ें भी समझ में आ जाती हैं, और फिर मैं फेल नहीं होता। तो अगर फेल नहीं होता तो आज मैं इंजीनियर बन चुका होता। तो ये सारे जितनी भी नाकामियाँ थी, ये मेरी बड़ी काम आई है, खासतौर पर कॉलेज में फेल होना। मैं कहता कॉलेज में मैंने कुछ सीखा नहीं है, सीधी सी बात है, बहुत कम चीज़ें मेरे लाइफ में काम आई होंगी, लेकिन फेल जो हुआ हूँ ना, उससे बहुत सारी चीजें सीखी है मैंने, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। खैर, तो ये अभी तक की, आज तक की कहानी है, और बाकी की कहानी जो मेन, जो थर्ड इंटरवल है, वो उसकी कहानी मैं कल बताऊंगा। और इस साल तो कितने जबरदस्त जबरदस्त लोगों से मिला हूँ, मल्टी मिलियनेयर लोगों से, मल्टी मतलब जिन लोगों की नेटवर्थ 500 to 600 million dollars है, उन लोगों से मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब जो है हमारे
नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ के फिर आना है और फिर ट्रेडमिल में ब्रिस्क वॉकिंग छोड़नी नहीं है, क्योंकि मेहमान ऑलमोस्ट पूरा दिन कमरे में ही थे। मैंने बोला बाद में ही करूँगा, मैं वो कर कर आके यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करके फिर मैं सो जाऊँगा, क्योंकि सुबह को उठना है, रूटीन दोबारा सेट करनी है। और हाँ, आज अंकल ने एक अंकल जिन जो अंकल आए थे ना, उन्होंने बोला क्या बात है तुम दुबले लग रहे हो। मैंने बोला हाँ, आजकल मैं ब्रिस्क वॉकिंग करो। मैंने बोला हालांकि सिर्फ एक हफ्ता हुआ है, कंसिस्टेंट, यू नो कंसिस्टेंट इज द की सर, थैंक्स। प्रोग्रेस और तरक्याती काम जारी है। 218 कैलोरीज, 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉकिंग एंड रनिंग एंड 2.9 किलोमीटर्स आज चले हैं भाई, पसीना आप देख सकते हैं। और रात के कूल डाउन, खाना, टीथ ब्रश, अच्छे बच्चों की तरह एनी टाइम। फिर मिलते हैं कल।